Hey, good morning everyone. आज हमारा लास्ट डे है इन गोवा. सो हम लोग जा रहे हैं अभी लड़कियाँ स्विमिंग करने. तो विजय हैं वो नहीं आएंगे, उनको नींद बहुत प्यारी है तो वो अभी नींद पूरी कर रहे हैं. तो हम लोग के पास इतना टाइम है 1 घंटा कि हम लोग आराम से स्विमिंग करके आ सकते हैं और उन्हें उठा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है गोवा टू बॉम्बे इट्स 10 to 12 hours जर्नी. और इसके साथ तो मतलब समझ जाओ कि 13 to 14 hours. सो या तो लेट हिम स्लीप और हम सब चलते हैं गोवा बीच. ओके, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा पीछे आओगे आप? हाँ, आराम से बैठो. चलो, आपने सुबह से किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो बोल दो. गुड मॉर्निंग. ओके एवरीवन, सो ये हमारा आज लास्ट डे है गोवा में और हम लोग जा रहे हैं वापस बैक टू बॉम्बे. और सबसे अच्छी बात ये है कि हम बार बार यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने इसलिए आते हैं इस जगह पे स्पेशली. ये जो कैफे, इसका नाम है पीपल कैफे. मैं आपको इसलिए रेकमेंड करूंगी क्योंकि हमारे पास पेट है, तो जिनके पास पेट है उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है. और आप अपने डॉग के लिए फूड भी ऑर्डर कर सकते हो और विस्की भी बहुत खुश है यहाँ पे. तो यस, आओ आराम बोल में. और ये है पीपल कैफे, है ना? तो हम जा रहे हैं, हम फिर से आएंगे गोवा में क्योंकि गोवा वैसे भी बॉम्बे के पास में ही रहता है. चलो थोड़ा पीछे पीछे. मैं एक बात बताऊँ, लड़की ना बड़ी सैड है क्योंकि वो बॉम्बे जा रही है, उसको गोवा छोड़ने का मन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा. वैसे भी लॉकडाउन के बाद हम लोग 2 साल बाद आए, 2.5 साल बाद आए गोवा में. मैं 6 साल बाद आया. अरे मेरा बिस्की भी रो रहा है. चलो मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ. हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से. और वैसे भी 12 hours की जर्नी है, लॉन्ग जर्नी. सो बाय बाय एवरीवन. सो दोस्तों, हमारा गोवा ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है. वी हैड अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट एट पीपल्स कैफे एंड नाउ वी वर ऑन अ वे बैक टू बॉम्बे. बट वी रियलाइज्ड हमारी प्यारी सी मित्र दोस्त यामिनी, हम उसको ऐसे बीच रास्ते पे छोड़ नहीं सकते. ऑल्दो शी स्टेज इन गोवा, हमको उसे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे कम से कम एज नियर एज पॉसिबल टू हर होम, हर डेस्टिनेशन छोड़े. तो किस्सा ये हुआ कि हम गए कुछ टैक्सी बुक करने का. एक टैक्सी वाले ने शुरुआत की 700-800 रुपए से, 800 से पहले 800 से की उसने. और फिर हमने छोड़ दिया, बोला नहीं हम बाहर जाएंगे थोड़े, ना सोचा कि हाँ है. बाहर गए 1200 रुपए सीधा. एंड देन क्या हुआ ब्रो? फिर क्या हुआ, उन लोगों को लगा अरे ये भाई ये गाड़ी इधर की नहीं है और गाड़ी बड़ी है और फिर ऊपर से 2 foreigners बैठे हुए है और फिर इनके पास एक डॉगी भी है ऑलरेडी, एक पेट है, तो ये लोग रिच होंगे तो लूट लेते हैं. तो बस 1200 सीधा बोल दिया. ये भी नहीं कि बार्गिंग करे, नहीं करना भाई, सीधा 1200 बताओ. इस मामले में तो ट्रांसपोर्टेशन में बॉम्बे बहुत सही है. हाँ, बॉम्बे सही में, दिल्ली भी नहीं है. दिल्ली भी इतना महंगा नहीं है. महंगा नहीं है बट फिर भी दिल्ली भी मीटर में चालू नहीं होती है, तैयार नहीं होते वो लोग मीटर में चलने के लिए, बताओ. फाइट करना पड़ता है, दिल्ली वाले लोग ये समझ सकते हैं. और गोवा में भी यही चल रहा है भाई, अपने लोकल इंसान को भी वो लोग मतलब कुछ चीप प्राइस नहीं दे रहे, वो लोग सीधा बोल रहे 1200. ये कोई भाई आधे घंटे 1 घंटे के लिए ये कोई प्राइस है जाने के लिए? भाई कोई तो कम करो, कुछ तो करो, थोड़ा तो तरस खाओ भाई, हम टूरिस्ट हो में. चलो हम पे नहीं भाई, इनके लोकल ही यहाँ के जो है ये यामिनी पे तो तरस खा लो. सही है. So we are on our way to Mapsa bus stand. We are gonna drop Yamini over there. उसके बाद वो अपने रास्ते और हम हमारे लंबे रास्ते. बट मजा आ गया, ये जो 2-3 दिन हम लोग गोवा में थे तो अच्छा लगा हम लोगों को. इतने टाइम के बाद हमने वेकेशन लिया, वेकेशन पे आए और एंजॉय किया हम लोगों ने, है ना? Yes. देखते हैं कैसा निकलता है हमारा ब्लॉग. पता नहीं हम लोगों का ब्लॉग इस बार भी कैसा बना होगा भाई. हम लोग ये हमेशा का डायलॉग रहता है प्रणीता का, पता नहीं इस बार कैसा बना होगा. भाई हम लोग न्यू कमर्स है ना, तो ये कह सकते हो
दैट इज राइट, वी आर बिगिनर्स इन व्लॉगर कम्युनिटी. होप सो आपको हमारा व्लॉग्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगे. अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, रीशेयर, ये सब जो होता है सब करना जरूर. और प्लीज हैशटैग प्रणीता विजय भूलना मत, हम प्रणीता विजय को हमेशा याद रखना. यस, तो फाइनली बात ये हो गई, KGF पार्ट 3 आ रहा है वैसे हमारा गोवा सीरीज का और एक पार्ट बन रहा है, बिकॉज वी आर स्टेइंग बैक एंड वी आर गोइंग टू स्टे एट यामिनीज प्लेस. क्या एक्साइटमेंट कर रहा हूँ बिग डैडी. अरे बिग डैडी मतलब बिग डैडी कैसीनो, बड़ा बाप नहीं. सी nice. यार एक दिन तो मुझे जाना है, ऐसे क्यों लग रहा छोटा लास वेगास है. हाँ है ये छोटा लास वेगास, जाना है आपको कैसीनो. यस मेरे को जाना है, बट लूटने के लिए नहीं, जीतने के लिए जाना. लूटने के लिए जाऊंगा. क्यों? लुटवाने के लिए नहीं जाऊंगा, लूटने के लिए जाऊंगा. लूटने के लिए जाओ, लुटवाने के लिए मत जाओ. मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मुझे याद नहीं बहुत एंट्री, साल पहले आई थी. एंट्री कहाँ से? अच्छा हाँ, हमें देखना है कि एंट्री किधर से देखते हैं. वाह ये है एंट्री. चलो सो अभी हमने एंट्री किया, तो यहाँ पे वीडियोस और फोटोशूट्स करना अलाउ नहीं है, तो हम लोग रूल फॉलो ज़रूर करेंगे, तो कुछ भी मिस होता है तो प्लीज़ डोंट माइंड. लेट्स गो चर्च, चलते हैं, म्यूजियम नहीं जाते. अब हम लोग दूसरे चर्च में आए हैं. एक्चुअली पेट लाना यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो विस्की विजय के साथ कार में है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपने सिस्टर के साथ. इट्स ब्यूटीफुल है ना, तो लोकेशन इसके अंदर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो या अगेन डोंट माइंड. सो मॉन्यूमेंट तो देख लिया हमने, बट हम लोग अभी म्यूजियम जाने वाले थे, बट हमने वहाँ देखा टिकट काउंटर में कि ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, तो इसलिए और हम जल्दबाजी में कैश लाना भूल गए, तो चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम घूम लेंगे. बट आप लोग ध्यान रखिएगा, कैश ज़रूर लेकर आइएगा, और सिर्फ टिकट का कॉस्ट है 10 rupees ऑनली. ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये है हमारा साल का पहला बारिश, और हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. क्यों विजय? है ना, और अभी हम लोग लंच करके निकले हैं, कोंकण थाली, इतना मजा आया खा के, बिकॉज ऑफ यामिनी, थैंक्स यामिनी. वो रेस्टोरेंट का नाम क्या था, कुछ तो था मैं भूल गई, क्या था नाम? फूड इन क्ले. यस, थोड़ा बहुत वीडियो विजय ने शूट किया है तो आप देख सकते हो, बहुत ही टेस्टी था, यमी था. कंकाल बचा है मछली का, कंकाल भी नहीं था. हम लोग जस्ट लंच करके अभी निकले थे, अचानक पुलिस जा रही थी फुल स्पीड में, ये गाड़ी एक है भाई, बहुत जर्नी हुआ, एक फैमिली है एंड एक ट्रक का एक्चुअली ब्रेक फेल हो गया, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद 3 गाड़ियों को लगातार ठोका उसने,